नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कांग्रेस, सपा, बसपा, टीएमसी, वामपंथी तमाम सियासी विरोधी हैं जो बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए नाक रगड़ रगड़ कर परेशान हो रहे हैं। गठबंधन पर गठबंधन करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं ममता से लेकर कांग्रेस तक को जिताने वाले उनके चुनावी रणनीतिकार हैं कि मोदी से लेकर बीजेपी तक का गुणगान करने में जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं, वो तो विरोधियों को यहाँ तक डर दिखा रहे हैं कि हो सकता है कि लोग मोदी को हटा दें, लेकिन बीजेपी कहीं नहीं जा रही। कांग्रेस को पंजाब में, ममता को बंगाल में, केजरीवाल को दिल्ली में चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर जैसे कद्दावर चुनावी रणनीतिकार अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्ता सीन पार्टी बीजेपी की तारीफ करे, तो आप समझ सकते हैं कि इस तारीफ के क्या मायने हैं। क्योंकि चुनावी समझ रखने वाले प्रशांत किशोर के पास देश के कई दिग्गज पार्टियों के साथ काम करने का अच्छा खासा अनुभव है। यही वजह है कि वो जब भी कोई बयान देते हैं, उनके बयानों को गंभीरता से लिया जाता है। और इस बार उन्होंने बीजेपी के समर्थन में बयान देकर सियासी हड़कंप मचा दिया है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर ने गोवा के एक कार्यक्रम में कहा, बीजेपी चाहे जीते या हारे, लेकिन वह भारतीय राजनीति के केंद्र में रहेगी। ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस के 40 साल थे, बीजेपी कहीं नहीं जा रही। एक बार आप भारत में 30% वोट पा लेते हैं, तो आप इतनी जल्दी कहीं नहीं जा रहे। इसलिए इस चक्रव्यूह में कभी ना फंसे कि लोग गुस्सा हो रहे हैं और वे मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। हो सकता है लोग मोदी को हटा दें, लेकिन बीजेपी फिर भी कहीं नहीं जा रही। आपको अगले कई दशकों तक बीजेपी का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी का भविष्य बता रहे चुनावी रणनीतिकार ने लगे हाथ कांग्रेस को भी एक बार फिर से आड़े हाथ लिया और राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा, राहुल गांधी के साथ यही समस्या है। संभवतः वह सोचते हैं कि यह कुछ समय की बात है, जब तक लोग मोदी को सत्ता से बेदखल ना कर दें, यह नहीं होने वाला। जब तक आप मोदी की ताकत समझ नहीं लेते और उनकी मजबूती को मान नहीं लेते, तब तक आप उनका सामना नहीं कर पाएंगे। मुझे जो समस्या दिखती है वो यह है कि लोग मोदी की ताकतों को समझने में ज़्यादा समय नहीं दे रहे। वे ये नहीं समझ रहे कि मोदी इतने पावरफुल कैसे हो रहे हैं। अगर आपको यह पता होगा, तभी आप उनका सामना कर सकेंगे। प्रशांत किशोर का ये बयान बता रहा है कि देश में बीजेपी कितनी मजबूत हो रही है और कांग्रेस की क्या हालत हो गई है। ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि ये बातें वो प्रशांत किशोर कर रहे हैं जो मोदी विरोधियों के लिए चुनाव में रणनीतिकार के तौर पर काम कर चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए चुनावी रणनीतिकार के तौर पर काम किया और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। 2015 में बिहार में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस गठबंधन के लिए काम किया और नीतीश लालू को सत्ता दिला दी। 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए काम किया और कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम बना दिया। 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की दोस्ती करा दी, लेकिन चुनाव नहीं जीता पाए। 2019 के आंध्र प्रदेश चुनाव में वाईएसआरसीपी के नेता वाईएस जगन मोहन रेड्डी के लिए काम किया और उन्हें जीत दिला दी। 2020 में अरविंद केजरीवाल के चुनावी रणनीतिकार बने और उन्हें फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। 2021 में ममता बनर्जी के लिए काम किया और उन्हें बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत दिलवा दी। 2019 में ही डीएमके नेता एमके स्टालिन के लिए काम किया, उन्हें भी तमिलनाडु विधानसभा में जीत दिलाई। ऐसे तमाम चुनावों में बीजेपी विरोधियों के लिए काम कर चुके प्रशांत किशोर फिलहाल ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार हैं, जो इस समय गोवा में टीएमसी की जीत की संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने राहुल गांधी की समस्या और मोदी की ताकत के बारे में लोगों को बताया। इससे पहले भी प्रशांत किशोर कांग्रेस को आड़े हाथ ले चुके हैं। लखीमपुर कांड पर सक्रिय रहने वाली कांग्रेस पर वार करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा था कि जिन लोगों को लगता है कि लखीमपुर कांड की वजह से कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष त्वरित वापसी करेगा, वो गलतफहमी में है।
बहरहाल प्रशांत किशोर जिस तरह से बीजेपी के मजबूत भविष्य की बात कर रहे हैं और मोदी विरोधियों को नसीहत देने में जुटे हुए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि अगले 10 सालों से भी ज्यादा समय तक देश में बीजेपी का भौकाल रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।